नमस्कार साथियों, चलिए आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। आप यदि आते हैं तो आपको कहाँ से एंट्री करना है और कहाँ से आपको एग्ज़िट करना है, कहाँ से आपको टिकट निकालनी है और कैसे कैसे आपको अंदर जाना है। यदि आप हज़रत निज़ामुद्दीन में प्लेटफॉर्म एक की तरफ से आते हैं तो आप इधर से आएंगे और इधर से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा। ठीक है, ये पोर्शन आपको कुछ ऐसे दिखेगा, थोड़ी आपको दूर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ये आप देखो दिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 1 से 8 तक। टिकट घर भी यहीं पे है, पूछताछ भी आप कर सकते हो, प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हो, आरक्षण की टिकट भी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हो। और यहाँ से आपको अंदर जाना है पूरा। यहाँ से अंदर जाके आप से लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, टिकट ले सकते हो और पूछताछ भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आप यहाँ से एंट्री नहीं करना है, यहाँ से भी जाके आप पूरा एंड तक जा सकते हो और 1 नंबर से 8 नंबर प्लेटफॉर्म तक जा सकते हो। यदि आप यहाँ से नहीं निकलते हो तो आप सीधे यहाँ से आगे जा सकते हो और आगे से भी एक गेट है। ठीक है, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो अभी, ये देखिए आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये आगे जैसे आप चलते जाएंगे तो वहाँ पे एक गेट और है जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म 8 से हम बाहर वहाँ एग्जिट भी कर सकते हैं बाहर की तरफ से। और यहाँ पर कुछ ऐसे ये चल रहा है जहाँ पर आप अपने टिकट के बारे में जान सकते हो, अपनी ट्रेन के बारे में सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हो। ये देखिए ये व्यू है। यदि आपको पैसे निकालने हैं तो आप यहाँ एटीएम भी है गेट नंबर 1 की तरफ, तो आप यहाँ से पैसे भी निकाल सकते हो एंड कोई भी सुविधा आप यहाँ पे ले सकते हो। ऑटो वगैरह भी रहते हैं, कहीं जाना है तो आप ऑटो भी ले सकते हो, जा सकते हो। दूसरा गेट है दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए, ये आप यहां से एंट्री कर सकते हो और ये सीधे आपको निकालेगा प्लेटफॉर्म नंबर 8 में बाहर। यहां से आपको स्टेयर्स मिलेंगी, जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको स्टेयर्स मिलती हैं। ये देखिए कुछ ये व्यू है इसका यहां से। ठीक है, तो यहां से जैसे आप जब एंट्री करके जाते हो यहां से तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिख जाता है और सीधे आप नीचे चले जाते हो। और नीचे से यहीं से जहाँ से मैडम जा रही हैं, यहीं से जहाँ से गाड़ी जा रही है, यहीं से एंट्री करके राइट से आपको स्टेयर मिलेंगी सीढ़ियाँ, तो आप ऊपर चले जाओ। तो देखिए मैंने कर लिया एटीएम का यूज़, मैंने निकाल लिया पैसे, मैंने पंजाब नेशनल बैंक से निकालने हैं। आप भी किसी से बैंक, आप महाराष्ट्र पंजाब नेशनल एटीएम से निकाल सकते हो, एसबीआई से निकाल सकते हो। और चलिए आपको दिखाता हूँ, अब चलते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जहाँ से आप सीधा जा सकते हो 8 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर। और यदि आप कहीं से दारू अड्डा से आ रहे हो, भिवाड़ी से आ रहे हो, बस से आ रहे हो, तो 8 नंबर से भी एंट्री आपको मिलती है। यदि आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो स्टेशन से, तो आप 8 नंबर से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। और या तो बस इधर से कहीं से आते हैं तो आपको 1 नंबर से एंट्री करनी पड़ेगी। 8 नंबर से जब आप एंट्री करते हैं तो आप मेट्रो से आएँगे या बस से आएँगे उधर साइड से, तो आपको 8 नंबर से एंट्री करनी पड़ेगी। उसका भी सारा एग्जिट इधर साइड में है। चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ से हमारा 1 से 8 तक है पूरा, अभी आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे स्कैनिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ पे स्कैन करेंगे और पूरा अंदर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ स्टेयर्स है, यहाँ से स्टेयर्स से नीचे जा सकते हो और पूरा यहाँ पे टाइम आपका दिखा रहा है। इधर भी आपके सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इधर भी है, पूरी पब्लिक आ रही है। अब यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म नंबर कितना है, 2 से 3। ठीक है, तो एक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर आपका 2 है, एक साइड में प्लेटफॉर्म नंबर आपका 3 है। इसी तरह करके आप 8 नंबर तक चले जाना है। धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो 8 नंबर प्लेटफॉर्म आपका आ जाएगा, 8 नंबर प्लेटफॉर्म से आप एग्जिट हो जाओगे बाहर। ठीक है, तो आप जब इस वाले गेट से एंट्री करोगे तभी आप 8 नंबर पे एंट्री कर पाओगे। जो मैंने पहले आपको गेट दिखाया था उससे यदि आप एंट्री करते हो तो आप 8 नंबर से एग्जिट नहीं कर पाओगे, तो उसको आपको फिर बीच में चेंज करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा राइट में। ये देखो आपका है 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म। ये देखो यहाँ पे लिखा मेट्रो स्टेशन की ओर जाना है तो 6 8 नंबर से आपको निकलना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए लिफ्ट भी है। ठीक है, कुछ भी आप करते हो तो फाइंस वगैरह भी है यहाँ पे।
उसकी टिकट्स वगैरह भी चेक होती हैं, तो आप जब भी यहाँ टिकट लेके आएँ, मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से देखो 8 नंबर से 7 नंबर 7 और 8 से अभी हम एग्ज़िट हो रहे हैं। तो आपको एग्ज़िट होकर बाहर दिखाता हूँ कि मेट्रो वाला भी, यदि आप किधर से आओगे तो आपको मेट्रो पड़ेगी 8 नंबर से। ये पूरा व्यू है, इस तरीके से आप 8 नंबर 9 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म में आ सकते हो और अपनी जर्नी पूरी कर सकते हो। कहीं भी आपको कुछ लगता है, यदि डाउट कि कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कहां से एंट्री करना है, कहां से निकलना है। यहां पे यात्री प्रतीक्षालय भी है 8 नंबर में, तो यहां पे आप आके वेट कर सकते हो अपनी ट्रेन का, टिकट से, काउंटर टिकट से आप टिकट भी ले सकते हो। साथियों, यदि आपको स्टेशन में वेट करना पड़ रहा है तो आप, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप वेट करने के लिए एक नंबर प्लेटफॉर्म में, जो इधर साइड में जो वेटिंग स्टेशन है, वेटिंग रूम है, प्रतीक्षालय जो है, तो इधर साइड में आप वेट करें, सबसे अच्छा वेटिंग रूम है। इधर से आपको एसी भी मिल जाता है, नॉन एसी भी है, सारी चीज़ें हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म से जो आप एंटर करोगे तो लेफ्ट में पड़ेगा आपको, जब इधर से एग्जिट करोगे एक नंबर तो आपको राइट में पड़ेगा। तो इधर से जाके आप इसमें आप वेट कर सकते हो। और एक तो ये रहेगा आपका, इधर ये वाली लोकेशन, इधर लिफ्ट है, और इधर से जाके ये पोर्शन है, दिखाता हूँ अभी आपको। ये तो आप एग्जिट हो जाओगे एक नंबर से, और ये वेटिंग रूम है, यहाँ पे आप जाके वेट कर सकते हो। ये यहाँ पे वातानुकूलित है, विश्रामालय, ये आप देख रहे हो। इसकी जो फीस है 10 रुपये पर आवर्स की है, तो आप 10 रुपये प्रति घंटे दे के आप यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको बता दूं, अभी हम यहाँ से एंट्री करके आए हैं, इस रास्ते से यहाँ से एंट्री करी पूरी, और ये आप देखो पूरा हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिख रहा है। अभी चलो वन बाय वन करके दिखाऊंगा। और ये वेटिंग रूम है सारे के सारे, लिफ्ट भी है, और आगे जब आप जाते हैं तो आपको फिर से इधर जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा यहाँ पर। और ये देखो सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जैसे तो ऐसे आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। बहुत सारी सीटें हैं, अब फुल अच्छा बढ़िया सिस्टम बैठने के लिए, सब पंखे लगे हुए हैं, कहीं आपको गर्मी भी नहीं लगने वाली है, और आप जब वेट कर सकते हो। साथियों, चलिए आपको बता देता हूँ अंदर का पूरा व्यू। ये वाला जो आपको पुल दिख रहा है, ये आपका है जब आप वहाँ से आते हैं, किधर, मेट्रो साइड से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा एंट्री और एग्जिट का काम करेगा, चाहे आप मेट्रो साइड से भी एंट्री कर सकते हो और इधर साइड से भी आप एग्जिट कर सकते हो, दोनों साइड से आप एंट्री कर सकते हो। इधर से आपका 1 नंबर है, उधर से आपका 8 नंबर है, ठीक है। ये देखो आपकी ट्रेन भी जा रही है। इधर से जब आप एंट्री करके फिर जाते हो तो इधर से ये पुल पड़ता है, इधर साइड से भी एक आपकी एंट्री होती है। जब आप 1 नंबर से एंट्री करते हो तो इधर से भी एक एंट्री होती है, लेकिन इसमें इधर से एग्जिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यदि आपको 1 नंबर से एंट्री करके एग्जिट करना है तो आपको इस वाले पुल से आना पड़ेगा, और इसमें आप अंदर अंदर भी कोई बात नहीं, यदि आप इससे एंट्री कर लियो तो आप यहाँ से आके ऐसे 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 और इसके थ्रू भी आप जा सकते हो अंदर। तो ये पूरा व्यू है अंदर का, और यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स आप देख रहे हो, ट्रेन्स वगैरह भी आ रही हैं सारी, अंदर अंदर ही स्टेयर्स वगैरह हैं, इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा फुल सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। ये आप देखिए, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है यदि आप यहाँ पे आ जाते हो। वेटिंग रूम भी बहुत ही अच्छे फर्स्ट क्लास हैं, और स्टेयर्स वगैरह भी हैं, खाने का फूडिंग वगैरह का सिस्टम भी अच्छा है। और यदि आपको यहाँ पे निज़ामुद्दीन में कोई भी दिक्कत यदि आप फेस करते हो टिकट लेने से रिलेटेड, फिर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कौन सी ट्रेन कहाँ आने वाली है, कहाँ नहीं आने वाली, तो भी आप पूछ सकते हो। तो साथियों, जब भी आप गेट ऑफ परेड से बाहर निकलते हो इधर से, ठीक है, तो आप इस रास्ते आते हो, एंड ये एग्जिट का रास्ता है बाहर जाने का, और इधर से हम चलेंगे अभी मेट्रो की तरफ, और यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, खाना वाना भी आपको खाना है तो यहाँ पे बाहर आप खा सकते हो, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, ढाबा होटल्स सब आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ से आपको इस रास्ते चलना है इधर, ये अभी यहाँ पर पुल का काम चल रहा है, कुछ दिन बाद शायद पुल भी बन जाए डायरेक्ट मेट्रो से इधर के लिए। और इधर से जब हम जाते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वगैरह खड़े मिलेंगे, ये इधर साइड दुकानें मिलेंगी, ये पोर्शन है बैक का जहाँ से अभी हम आए हैं, और ये आप देख लो पब्लिक एकदम से ठसा ठस आ रही है यहाँ पे, ये दुकानें किनारे किनारे बनी हुई हैं,
इसी तरह आपको चलते चलना है और आगे जैसे ही अभी हम चलेंगे तो आपको दिखेगा मेट्रो, मेट्रो स्टेशन है। एक्चुअली गेट नंबर 1, 2, और 3 है, 3 गेट हैं इधर। तो एक तो सीधे चला जाता है आपका बस स्टैंड की तरफ, यहाँ से आगे जाके बस स्टैंड भी है, सराय काले खां बस स्टैंड जो फेमस है यहाँ का। तो आगे यहाँ से बस आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है सराय काले खां, 5 मिनट लगता है यदि आप पैदल जाओगे तो, काले खां जाने के लिए 5 मिनट एंड मेट्रो स्टेशन जाने के लिए आपका, आप जब वहाँ से निकलते 2-3 मिनट मेट्रो स्टेशन जाने की डिस्टेंस है। अभी जस्ट हम ये देखो पहुँच गए, एक मेट्रो का गेट अभी आने वाला है, एक गेट तो मेट्रो स्टेशन का इधर है और ये चारों तरफ दुकानें ही दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ से पुल बन रहा है डायरेक्ट बाहर से सीधे यहाँ आपका स्टेशन पे लैंड करवाएगा आपको ये जो बन रहा है अभी। लॉज वगैरह भैया, रूम वगैरह, ये इधर है आपका एक मेट्रो स्टेशन, ठीक है, सराय काले खां का, ये गेट नंबर 2 है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। इधर से भी हमारे पे 2 नंबर है और अभी अब आगे चलेंगे थोड़ी तो आपको मिलेगा 3 नंबर मेट्रो स्टेशन, ये है मेट्रो स्टेशन, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, दूसरा गेट है। तो अब मैं एक्चुअली हज़रत निज़ामुद्दीन बस रेलवे स्टेशन से मेरे को अब जाना है इफ़्को चौक, तो अगर मेट्रो के थ्रू ही जाऊंगा तो आपको मेट्रो पे भी दिखाऊंगा कैसे कैसे मेट्रो है और कैसे कैसे आप निज़ामुद्दीन से इफ़्को चौक जा सकते हैं एंड राजीव चौक जा सकते हैं। ये है मेट्रो स्टेशन एंड दूसरा गेट है, ये तो आपके पुल्स वगैरह इधर दिखते हैं, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो गेट है वो है इधर, इधर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है पुल्स वगैरह का, इधर होटल्स वगैरह हैं बहुत सारे और आप आते चलोगे तो इधर जैसे ही आते हैं तो ये है आपका देखो सराय काले खां निज़ामुद्दीन।